नमस्कार, मैं हूं दिव्या त्यागी और आप देख रहे हैं लाइव चीनी एक्सप्रेस। प्रस्तुत है आज की खास खबरें। नेहरू युवा केंद्र की ओर से ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता शुक्रवार को सराय भारती और नरनी मिनी स्टेडियम फील्ड पर किया गया। इसमें अलग अलग गांव से आए खिलाड़ियों ने जीत के लिए जमकर पसीना बहाया। खेलकूद का शुभारंभ मुख्य अतिथि रसड़ा विधायक उमाशंकर सिंह ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। इस दौरान कबड्डी, वॉलीबॉल, दौड़ और फुटबॉल के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता की अध्यक्षता मधुकर कुमार संगम के द्वारा किया गया, जिसमें फुटबॉल के फाइनल मैच में सराय भारती बनाम कुशवा फाइनल मैच में सराय भारती बनाम कुशवा अजीजपुर में खेला गया, जिसमें विजेता सराय भारती रहे, और कबड्डी का फाइनल मैच मुस्तफाबाद बनाम अमहरा के बीच खेला गया, जिसमें अमहरा की टीम विजयी रही। और दौड़ में प्रथम स्थान सुनील कुमार, द्वितीय स्थान चंदन कुमार, तृतीय स्थान सुमित कुमार 800 मीटर में अव्वल रहे। साथ ही साथ वॉलीबॉल का मैच भी हुआ। नरनी की टीम फाइनल में पहुंची, जिसमें पटना विजेता रही और नरनी उपविजेता रही। इस मौके पर आयोजक रणजीत कुमार, शिवानंद, जसवंत कुमार, रजनीश कुमार, प्रदीप कुमार, अमरनाथ, उदय, भान संजय, सत्यदेव आदि लोग उपस्थित रहे। एक और मिलता हुआ अमित प्रसाद सिंह को 11-3। पुनः सभी से जुड़ता हुआ नीपू से काफी देर के बाद मिला है नीपू टीम को 4-11 का स्कोर। इसी तरह से अपने मैच में बने रहना है तो नीपू को कुछ कर बनाना पड़ेगा, दिखाना होगा। काफी देर से इनके हवा में दिखाई दे रही है और एक और अंक मिलता हुआ नियमित को तो 5-11 का स्कोर। धीरे धीरे अंकों में वृद्धि होती हुई नियमित की 6-11 कंटिन्यू पॉइंट कंटिन्यू सर्विस नीबू से प्रसाद के लिए। बढ़िया खेल इस समय देखने को मिला है दोनों खिलाड़ियों के बीच, उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं दर्शक। काफी ज्यादा जनसंख्या में दर्शक इस समय बसंत सागर के ग्राउंड पर 2 दिवसीय बल्लेबाज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसका आज पहला दिन चलता हुआ के लिए 11 स्कोर बोर्ड पर बना हुआ है। काफी देर से इस समय की प्रसाद का रुका हुआ स्कोर मेरे पकड़ में ऐसा है कि प्रसाद के खिलाड़ी तो पुनः सर्विस लेने में सफल नहीं किया रही है। नीबू से सेवा होगी कि प्रसाद के लिए बढ़िया सर्विस मिला है, बेहतरीन फिटनेस देखने को मिला है प्रसाद के खिलाड़ियों के द्वारा। आपका पॉइंट मिला वहां पर नीबू टीम को तो 7-11 का स्कोर। धीरे धीरे आपको वृद्धि करते हुए अपने पॉइंट में नीबू के खिलाड़ियों और दर्शकों से मैं चाहूंगा कि आप ग्राम के बारे में जो झंडी लगी है उससे आप आ रहा हूँ। आप नीबू छोड़ के पश्चिमी तो ये थी आज की खास खबरें। ऐसी ही चुनिंदा और खास खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस, खबरों का खजाना लाइव टीवी के साथ।